आपने गाय के दूध के बारे में सुना होगा, भैंस के दूध के बारे में भी सुना होगा, जिससे भारत के कई पशुपालक करोड़ों की आमदनी कर रहे हैं। लेकिन जिस पशु को सालों पहले आप निकम्मा समझते थे, वही गधा सालों पहले सामान ढोने के लिए काम में लिया जाता था, वही गधा आज करोड़ों की आमदनी कमाने का जरिया बन चुका है। आपने कभी गधी के दूध के बारे में सुना है? जी हाँ, दुनिया का सबसे महंगा बिकने वाला दूध गधी का है। आप अंदाजा लगाइए कि गाय भैंस का दूध बाजार में 65 रुपए के आसपास मिल जाता है, लेकिन आप गधी के दूध की कीमत जानेंगे तो आपका मुंह फटा का फटा रह जाएगा। बता दें कि गधी का दूध 5000 से लेकर 7000 रुपए लीटर बिकता है। बात गुजरात के पाटन की है, जहां एक सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले धीरेन सोलंकी ने गधा फार्म बनाया है, जिसमें लाखों की कमाई कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है गधी के मालिक का। मेरा नाम सोलंकी धीरेन है, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मैं ऐसे तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, बट सडनली आइडिया आया कि बिजनेस अगर स्टार्ट करे तो प्रॉफिट कितना होगा, कहाँ से कितना मार्जिन हो सकता है। तो ऐसे बिजनेस आइडियाज आते रहे, तो बहुत सारे मैंने बिजनेस भी ढूंढे। उस हिसाब से फिर मैंने ये एक बिजनेस देखा जो साउथ साइड ज़्यादा पॉपुलर था, जो डंकी फार्मिंग का है। इसका मिल्क अगर देखने जाए तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, 7000 to 12000 पर लीटर बिकता है इसका मिल्क। तो इस हिसाब से फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने 6-7 महीने जैसा इसके बारे में रिसर्च किया कि मैं इसका मिल्क कितना प्रोड्यूस कर सकता हूँ, कितना मैं मिल्क प्रोडक्शन रेट होगा, और उसका जो भी होता है कि एक्सपोर्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ों मिलके फिर मैंने कंपनी के साथ कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी कि आपको कैसे मिल्क सप्लाई करना है, कितने क्वांटिटी होगी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, और क्या क्या प्रोडक्ट आप इसमें सेल कर सकते हो। इस हिसाब से फिर मैंने बहुत सारे जो फार्म चलाते थे साउथ में, उनसे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। उस हिसाब से फिर मैंने ये खुद का फार्म स्टार्ट किया। मैंने स्टार्टिंग 20 डंकीज से की थी। अभी मेरे पास फिलहाल 37 प्लस डंकीज अवेलेबल है मेरे फार्म पे। इसका मेरा महीने का कम से कम जो मिल्क प्रोडक्शन रेट है वो 300 से 400 लीटर हो जाता है आसानी से। और अभी ज़्यादा से हमने मिल्क पाउडर बनाना स्टार्ट किया। ये बिजनेस स्टार्ट किए हुए मुझे 9 से 10 महीने हो चुके हैं। इसमें मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट भी अपने बनाए, जैसे डंकी मिल्क सोप, ठीक है, इसके साथ साथ हमने गोट मिल्क सोप। अभी जो डेंगू का जितना फैलता है, उस वजह से स्किन इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए जो डंकी मिल्क सोप है और गोट मिल्क सोप है सबसे ज़्यादा असरकारक होता है। तो एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले जितने भी प्रोडक्ट है जो डंकी मिल्क से हम प्रोड्यूस कर सकते बना सकते, वो सब हमने इसमें बनाने का स्टार्ट किया हुआ है। और इसमें मैंने अभी जो है ज़्यादातर डील मैं पाउडर में करता हूँ, 100 kg to 200 kg। उस हिसाब से अगर जितना भी मेरा प्रोडक्शन होता है वो सारा मैं पाउडर में कन्वर्ट करा के यहाँ से बाहर की साइड भेजता हूँ। जो डंकी मिल्क पाउडर है उसका प्राइस 60,000 पर केजी होता है, और अगर उसे आप फॉरेन में डायरेक्ट एक्सपोर्ट करो बिना किसी रिसेलर या मीडिएटर के, तो आपको उसका 1,20,000 से लेके 1,40,000 अराउंड उसका कॉस्टिंग मिल जाता है। गाय भैंस के मुकाबले गधी का दूध ना सिर्फ महंगा है, बल्कि इसमें कई गुना अधिक फायदेमंद तत्व भी पाए जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।